नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्चरं। ओम शं शनेश्चराय नमः। हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। तो आइए आज हम श्रवण करेंगे शनिदेव की बड़ी ही सुंदर कथा का। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य है नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना चांदी कांसा पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था, इसीलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 साती आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 साती की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आया। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी कर ली। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया।
भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, इसीलिए अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में ही नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चुरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हांकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चुरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चुरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चुरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परनाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। फिर कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं डाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदन वार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चुरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे, तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। फिर शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा
कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आए और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणि ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीप माला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। घन गर जन करत आवाज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम नील देव बिकरारी, भैंसा पर करत सवारी। तुम नील देव बिकरारी, भैंसा पर करत सवारी। कर लो गदा रहे साज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ। तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ। समरत हो करन मम काज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। राजा को राज मिटाओ, जिन भक्तों फिर दिवायो। राजा को राज मिटाओ, जिन भक्तों फिर दिवायो। जग में हो गई जय जयकार, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम हो स्वामी हम चरणन, सिर करत नमामि जी।
तुम हो स्वामी हम चरणन, सिर करत नमामि जे। पूर्वो जन जन की ये आस, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। यह पूजा देव तिहारी, करत दीन भाव ते थारी। यह पूजा देव तिहारी, करत दीन भाव ते थारी। अंगीकृत करो कृपालु जी, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। प्रभु शुद्धि दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो। प्रभु शुद्धि दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो। है हाथ तिहारे लाज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुमरी आए। हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुमरी आए। प्रभु सिद्ध करो सब काज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। यह विनय करे कर जोर के, भक्त सुनावे जी। यह विनय करे कर जोर के, भक्त सुनावे जी। तुम देवन के सिर ताज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। प्रेम से बोले शनि देव महाराज की जय।